हेलो, वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। आप सबका इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग फिर अपने प्यारे बच्चों के लिए एक वीडियो की थोड़ी सी मेहनत करके फिर आई हूँ, और इसी उम्मीद के साथ कि सारे टीचर्स और सारे बच्चे बहुत मेहनत करेंगे और अपना एक सपना कि हर बच्चा पढ़ेगा ये ज़रूर पूरा होगा। चलिए, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर वही आपको याद दिलाती हूँ सबको कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और एक बात है जो बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर करिए, क्योंकि क्लिक करते ही जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप उसको यूज़ करेंगे और उसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर बीइंग विद मी। लेट अस बिगिन द वीडियो नाउ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थ्री लेटर वर्ड्स विद वॉवल ए किया था, आज हम लोग करेंगे थ्री लेटर वर्ड्स विद वॉवल ई। पूरा रिवीजन मैंने करवाया था आपको, फिर ई के लिए भी करवा देती हूँ। थोड़ा सा रीकैप करेंगे हम लोग। हम लोगों ने टू लेटर वर्ड्स पढ़े थे जिसमें वॉवल और कॉन्सनेंट का यूज़ था। यहाँ पे जो वी होगा वो वॉवल के लिए यूज़ किया जाएगा और जो सी होगा वो कॉन्सनेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो जो हम लोगों ने वॉवल्स के साथ टू लेटर वर्ड्स बनाए थे एक एक कॉन्सोनेंट को यूज़ करते हुए, जिसके शुरू में वॉवल था और उसके बाद कॉन्सोनेंट था, जैसे कि ई डी। अब ई की मैंने लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड भी बताई हैं। लॉन्ग साउंड जो ओरिजिनल साउंड है, जैसे ई की लॉन्ग साउंड है ई, लेकिन व्हाट इज़ द शॉर्ट साउंड? ए। नाउ एड, एड। अब ई को हम ई ना बोल के क्या बोलेंगे बच्चों? ए। ए न एन, ए ट एट, ए ग एग, एड एन एट एग। टू लेटर वर्ड्स हमारे बच्चों ने खूब प्रैक्टिस करी होगी, अल्फ़ाबेट्स, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, इन सब का विभाजन, इनके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी, ये सब मैं उम्मीद करती हूँ कि टीचर्स ने हमारे बच्चों को प्रैक्टिस करवा दी होगी। चलिए अब हम चलते हैं थ्री लेटर वर्ड्स के ऊपर। थ्री लेटर वर्ड्स जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था उसका प्रारूप क्या होगा? सी वी सी। रीकैप हम लोग हमेशा करेंगे, कुछ हमारे बच्चे साथी नए भी जुड़ते हैं उनके लिए भी। सी का मतलब क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। वी का मतलब वॉवल और सी का मतलब फिर कॉन्सोनेंट। देखें इन्हीं टू लेटर वर्ड्स के साथ हम लोग कैसे, अगर हम इसको हाथ लगाएं तो ये वी और सी, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, जैसे कि वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, हमने टू लेटर वर्ड्स बनाए थे जिसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट का यूज़ हुआ था। बस वो वॉवल और कॉन्सोनेंट के सामने हम लोग एक कॉन्सोनेंट लगा देंगे जिसको हम इंगित करेंगे सी से। सब जानते हैं ए ई आई ओ यू वॉवल्स के अलावा जो बाकी सब लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। चलिए पहला है हमारा ई डी। ई डी में ये ई, ये सब वॉवल है और आगे वो कॉन्सोनेंट्स। ई डी एट, ई एन एन, ई टी एट, ई ग एग। अब मैंने एक यहाँ पे जान बूझ कर इसको ई ई ई बोला है, लेकिन उच्चारण क्या है बच्चों? उच्चारण तो है एक। तो हम अगर कोई गलती नहीं करना चाहते हैं तो हम उसकी जो साउंड है उच्चारण की, उसी को ही, उसी ध्वनि को ही हम लोग बोल बोल के अक्षर की पहचान करेंगे। तो इसको अब हम कैसे बोलेंगे? चलिए हम थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन में बोलते हैं। ए ड एड, ए न एन, ए ट एट, ए ग एग। अब एड 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 सब जगह लिखा हुआ है, करना क्या है? बहुत सरल, एक कॉन्सोनेंट लेना है जिसको जोड़ के एक मीनिंगफुल वर्ड बने, बस हम उसको जोड़ के वर्ड बना देंगे। ब ए ड बैड, र ए ड रेड, फ ए ड, अभी ए की मात्रा किस पे आ जाएगी? ए की मात्रा फ पे आ जाएगी, फैट।
L A D led. B A D bed. R A D red. F A D fed. L A D led. आगे चले A N N. अभी एड को साथ जोड़ के बनाए थे, यहाँ पे एन के साथ जोड़ के बनाएंगे. अब डी एच एम पी टी, ये तो इनकी लॉन्ग साउंड्स हैं. तो शॉर्ट साउंड्स क्या हैं? ड ह म प ट. ये है इनका उच्चारण है एन एन एन. ड एन डेन. ह एन एन. म एन मैन. प एन पेन. ट एन टेन. नेक्स्ट चलते हैं हम ई टी, और उच्चारण में क्या बोलेंगे? एट 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 एट. सब जगह आप देख रहे हैं वॉवल और कॉन्सोनेंट. बस अब इनको टू लेटर को हमने थ्री लेटर वर्ड बनाना है. आगे एक वॉवल कॉन्सोनेंट लगाना है जिससे कि वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए. ब एट बेट. ग एट गेट. ल एट लेट. म एट मेट. न एट नेट. प एट पेट. स एट सेट. नेक्स्ट है हमारा एग. एग एग एग. क्या उच्चारण है? एग. क ब प ल. ये मीनिंगफुल वर्ड्स हैं. क एग केग. ब एग बैग. प एग पैग. ल एग लेग. ये थे हमारे थ्री लेटर वर्ड्स के उच्चारण की प्रैक्टिस. थोड़ा सा लेसन आप लोगों के लिए. लेकिन टीचर्स और बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया बहुत क्लियरली, लेकिन अगर आप एक बार करके ही छोड़ देंगे तो वो काफ़ी नहीं होगा. इसको रोज़ रिवाइज करवाएं, रोज़ ब्लैक बोर्ड पर नए वर्ड्स टीचर लिखें और बच्चों से कहें बेटा उच्चारण करो. उच्चारण मात्रा बोल बोल के बिल्कुल इसका स्वीप करके र एड रेड. फ एड फेड. एल एड लेड. ऐसे करके बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे. ज़रूर बच्चों को ये याद होंगे. खेल खेल में हमारे बच्चे इंग्लिश का प्रोनंसिएशन सीखेंगे. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ भी आया होगा, इजी भी लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा. और ज़रूर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ. थैंक यू वेरी मच. अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी इस चैनल को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब जब मैं अपने बच्चों के लिए वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वेरी गुड लाइफ. बी सक्सेसफुल. बी हैप्पी. आई लव यू ऑल वेरी मच एंड थैंक्स.